हेलो एवरीवन, आज हम बना रहे हैं मिर्ची बड़े जो जोधपुर के फेमस हैं और अब तो हर सिटी में ही मिलते हैं। बहुत टेस्टी होते हैं ये। इसके लिए मैंने लिया 1.5 कप बेसन, इसमें थोड़ा नमक डाला है, थोड़ी सी हल्दी और 1 चम्मच लाल मिर्च। इससे हम इसका बैटर बनाएंगे। सारे सूखे मसाले मिला करके थोड़ा थोड़ा पानी इसमें मिलाते जाएंगे और बहुत रनी नहीं होना चाहिए इसका बैटर और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। अभी एकदम परफेक्ट है। उसको थोड़ी देर रेस्ट पे रख दिया मैंने। अब इसकी फिलिंग बना रही हूँ मैं। उसके लिए मैंने थोड़ा सा तेल लिया है। तेल गर्म हो गया, इसमें मैंने थोड़ी सी हींग डाल दी है। बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाली है मैंने एक, और ये है साबुत धनिया और सौंफ मोटा कुटा हुआ। इन सबको हल्का सा सेक लेंगे। गैस हमने तेज नहीं रखा हुआ है। थोड़ी सी हल्दी डलेगी इसमें, आधा चम्मच ही डाली हल्दी मैंने, और 2 चम्मच लाल मिर्च, थोड़ा सा काला नमक, स्वाद के हिसाब से सिंपल नमक। मसाले अब हम थोड़ा सेक लेंगे। मसाले हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, कई बार मिर्च भी बहुत तीखी होती है। अब इसमें बॉइल्ड आलू डाल रही हूँ। 4 आलू लिए थे मैंने, जिनको बॉईल करके और मैश कर लिया थोड़ा। अब इसे मसाले के साथ अच्छा से सेक लेंगे। बॉईल है इनको, बहुत ज़्यादा हमें क्रिस्पी होने तक सेकना है ऐसा कुछ तो करना नहीं है। मसाले मिल जाएंगे और थोड़ा ये सिक जाएगा तो इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। अब अमचूर पाउडर डाल दिया मैंने इसमें। ये थोड़ा खट्टा सा होता है इसका मसाला, तब ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा सा मैं इसमें नींबू का सा डाल रही हूँ, उसका खट्टापन ज़्यादा अच्छा लगेगा। और थोड़ा सा सूखा पुदीना है, इसको क्रश करके डाल दिया मैंने। पुदीने का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है। अब ये लगभग मसाला हमारा तैयार है। मिर्ची में हमने कट लगा लिया है और अब हम इसमें मसाला भर रहे हैं। सारा मसाला ठंडा हो चुका है हमारा। मेरी मिर्ची आज बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, इसलिए मैं इसको आज अलग स्टाइल से बनाना सिखाऊंगी आपको, वो भी आपको बहुत पसंद आएगा। अगर हमारा कभी खाने का मन है और मिर्च हमारी मोटी नहीं है तो हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। इनको मैंने छोटे पीस में कर लिया है। इससे हमें सर्व करने में भी अच्छा लगेगा, अगर कोई मेहमान आते हैं हम उनको खिलाते हैं तब भी। मसाला हम ऊपर रैप कर देंगे इस पर, तो उससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा, दिखने में भी बड़े सुंदर लगेंगे ये। छोटे छोटे बड़े प्यारे से लग रहे हैं ये। सभी मिर्च को मैं इस तरह से आलू का मसाला ऊपर रेप करती जा रही हूँ। अब इस बैटर हमारा रेस्ट कर चुका है, तेल भी गर्म हो गया है हमारा। इसको थोड़ा सा फेंट लेने से ये हल्का हो जाता है। बिल्कुल थोड़ा सा मीठा सोडा डाला है मैंने इसमें, 2 चुटकी समझ लीजिए। इसको फिर हम मिला देंगे। और 1 चम्मच गरम तेल का इसमें डाल देंगे।
इससे हमारे बड़े क्रिस्पी बनेंगे। गरम तेल डालने के बाद में हमेशा चम्मच से या किसी बीटर से ही इसको फेंटें। अब हम बड़ों को बैटर में डिप करके फ्राई कर लेंगे। तेल गरम है हमारा, इसको हमें गरम तेल में ही तलना है। एक एक करके लेकिन ध्यान से धीरे धीरे डालेंगे हम इसमें। बहुत सुंदर लग रहे हैं दिखने में ये। थोड़े अब सीख चुके हैं तो इनको हम पलट पलट के फिर सेक लेंगे। अब हमारे बड़े तैयार हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेंगे। अच्छा सा कलर आ गया इन पर। रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू।